अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की शुरुआत बिग बैंग से नहीं हुई थी। इन्हीं चीजों में से एक है टाइम, यानी कि समय। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि समय क्या है, और आज के इस एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या समय का निर्माण बिग बैंग से पहले हो गया था, या फिर बिग बैंग के बाद समय अस्तित्व में आया। जैसा कि आपको पता है कि बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने की सबसे सटीक जानकारी देती है, लेकिन यह थ्योरी हमें ये नहीं बताती कि आखिर उस पॉइंट पर जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, वहां ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। अभी तक ऐसी कोई थ्योरी नहीं दी गई जो इस सवाल का एकदम सटीक जवाब दे सके। वैज्ञानिकों का यह भी मानना था कि स्पेस और टाइम की शुरुआत बिग बैंग से ही हुई थी। इसीलिए यह सवाल करना कि क्या बिग बैंग से पहले टाइम एग्जिस्ट करता था, यह सवाल अपने आप में ही गलत है। लेकिन कुछ साल पहले तीन वैज्ञानिकों ने द फ्लिप्ड इनवर्स नाम की एक थ्योरी को दुनिया के सामने रखा। यह सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर आधारित है। इसमें दावा किया गया है कि टाइम बिग बैंग से पहले भी एग्जिस्ट करता था, और यह भी बताया गया है कि उस पॉइंट यानी कि सिंगुलैरिटी में ऐसा क्या हुआ जिससे यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। जब कोई भी थ्योरी बिग बैंग सिंगुलैरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दी जाती है, तो उसके लिए या तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मॉडिफाई करना पड़ता है, या फिर बिग बैंग के कुछ फैक्ट्स को इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन द फ्लिप्ड यूनिवर्स थ्योरी में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके लिए ना तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मॉडिफाई करना पड़ा, और ना ही फैक्ट्स को इग्नोर करना पड़ा। इस थ्योरी के हिसाब से टाइम की शुरुआत बिग बैंग से नहीं हुई, बल्कि पहले से मौजूद टाइम में बिग बैंग की घटना हुई। यह थ्योरी बिना किसी बदलाव के बिग बैंग को सिर्फ अलग तरीके से परिभाषित करती है। तो अगर टाइम की शुरुआत बिग बैंग से पहले हो गई थी, तो अब सवाल उठता है कि बिग बैंग से पहले क्या था, और आखिर बिग बैंग की घटना क्यों हुई। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका फैलाव होना बंद हो जाएगा, और यह धीरे धीरे सिमटने लगेगा, जो कि आखिर में एक सिंगुलैरिटी जितने छोटे पॉइंट में सिमट जाएगा। यानी कि जहां से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, आखिर में वहीं जाकर इसका अंत होगा। इसी को आधार मानकर द फ्लिप्ड यूनिवर्स थ्योरी में दावा किया गया है कि हमारे ब्रह्मांड से पहले भी एक ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता था, जो कि हमारे ब्रह्मांड का एकदम अपोजिट था। यानी कि जो चीज हमारे राइट साइड में मौजूद है, वो उस ब्रह्मांड में लेफ्ट साइड में मौजूद होगी। इसीलिए इसे नाम दिया गया मिरर यूनिवर्स। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कभी न खत्म होने वाले लूप की तरह है, जिसके कारण ब्रह्मांड का निर्माण होता है और उसका अंत होता है, और फिर से नए ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यानी कि यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि बिग बैंग की वजह से पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं हुई थी। यह तो सिर्फ एक घटना है जो दो ब्रह्मांड के बीच में घटती है। हालांकि द फ्लिप्ड यूनिवर्स थ्योरी पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि पहले यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, या फिर क्या हम मिरर यूनिवर्स को प्रैक्टिकली डिस्कवर कर सकते हैं। अभी हमारे पास इन सवालों का कोई सटीक जवाब नहीं है, लेकिन जितनी सच्चाई बिग बैंग थ्योरी में है, उतनी ही सच्चाई द फ्लिप्ड यूनिवर्स थ्योरी में भी है। लेकिन अभी तक हम किसी थ्योरी को पूरी तरह प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर सकते। हो सकता है कि भविष्य में हम ब्रह्मांड को और अच्छे तरीके से समझ पाएं, और आपको बता पाएं कि कौन सी थ्योरी सही है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।